राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा 2 मार्च से मोरैना के रास्ते मध्य प्रदेश में प्रवेश करेगी। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी यात्रा की तैयारियों को लेकर मोरैना और ग्वालियर के दौरे पर हैं। देखिए ये खास रिपोर्ट। भारत जोड़ो न्याय यात्रा की तैयारी, ग्वालियर दौरे पर पीसीसी चीफ जीतू पटवारी। जीतू पटवारी ने सीएम मोहन यादव पर साधा निशाना। ग्वालियर में मीडिया से बात करते हुए जीतू पटवारी ने सरकार को करप्शन, क्राइम और कर्ज पर घेरा। पीसीसी चीफ ने सीएम मोहन यादव को पर्ची वाले मुख्यमंत्री कहकर भी संबोधित किया। ये जो पर्ची की सरकार है, पर्ची के मुख्यमंत्री निकले, ये 3 सीट पर फोकस कर रहे हैं, करप्शन, क्राइम पे और कर्ज। सबसे ज्यादा करप्शन है मध्य प्रदेश में, सबसे ज्यादा क्राइम अभी मध्य प्रदेश में चल रहा है। कर्ज तो मुख्यमंत्री जी जब से आए हैं रोज 15,000 करोड़ रुपए 2 महीने में ले लिए। तो पर्ची के सरकार के मुख्यमंत्री जी का 3 सीट पे फोकस है। जहाँ तक राहुल जी की यात्रा है, मैं मानता हूँ ग्वालियर चंबल संभाग की माटी के अद्भुत अकल्पनीय स्वागत सत्कार और साहस के लिए जानी जाती है। बहुत कार्यकर्ताओं में उत्साह है और 5 न्याय की बातें करते हुए राहुल जी आएंगे। मैं यहाँ से सेलाना तक रतलाम उधर से देखते देखते हर चीज का एक तरह रिव्यू करते करते जाऊंगा। तो फिर से पर्ची के मुख्यमंत्री से अनुरोध है कि क्राइम पे, करप्शन पे और कर्ज पे अंकुश लगे। राहुल गांधी की यात्रा को लेकर बीजेपी लगातार वो ये कह रहा है कि कोई सफल नहीं होगी, राम का नाम चुनाव में याद करना है कि क्राइम भी खूब करेंगे, कर्ज भी खूब लेंगे और करप्शन भी खूब करेंगे, ये चाहते हैं बीजेपी। राहुल गांधी इस समय भारत जोड़ो न्याय यात्रा लेकर निकले हैं। ये यात्रा 2 मार्च को मध्य प्रदेश में मोरैना के रास्ते प्रवेश करेगी और प्रदेश के कई जिलों से होते हुए 6 मार्च को रतलाम के सैलाना से राजस्थान में प्रवेश कर जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज, मोरैना।